Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. So my name is Hammad Ashad. Welcome back to my channel and you are watching Learn English with Hammad. So guys, today we are going to talk about an interesting topic and वो सेंटेंस है जैसे कि हम कई सारे सेंटेंसेस अपने लाइफ में ऐसे बोलते होंगे कि फिलहाल के लिए तुम ऐसा कर लो और बाद में तुम इस तरह से कर लेना, ठीक है? So it means my main focus is on फिलहाल के लिए, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम इससे काम चला लो, बाद में मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज दे दूंगा, ठीक है? So guys, have you ever thought that how we can create these types of sentences into English? If no, so today I'm gonna help you to frame these types of sentences. So let's get started. So Ann, watch my video till the end. So guys, अब जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए कि फिलहाल के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग. अब जैसे लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स. अब पहला एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा कि फिलहाल के लिए तुम इससे अपना काम चलाओ, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम इससे अपना काम चलाओ. फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग. मेक योर वर्क डू विथ इट, मेक योर वर्क डू विथ इट. अब गाइस ये क्या है, मेक योर वर्क डू विथ इट, व्हाट इज इट? देखिए, मेक योर वर्क इसका मतलब होता है डू विथ इट. यहां पर हाँ, यहां लिखते हैं मेक योर वर्क डू विथ इट. किसी भी चीज को, जैसे मैंने आपको लिया, मैंने कहा इससे अपना फिलहाल के लिए काम चलाओ, तो मेक योर वर्क डू विथ इट का मतलब होता है इससे काम चलाना. सो अब फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए, और मेक योर वर्क डू विथ इट होता है का मतलब होता है इससे काम चलाना. तो अब हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, कैसे बनेगा? फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, मेक योर वर्क डू विथ इट, इससे अपना काम चलाओ. फिलहाल के लिए इससे अपना काम चलाओ. फॉर द टाइम बीइंग, मेक योर वर्क डू विथ इट. फॉर द टाइम बीइंग, मेक योर वर्क डू विथ इट. लेट्स सपोज आपको कोई ड्रीम है आईफोन लेने का, ठीक है, और आपकी मम्मा या पेरेंट्स ने आपसे कहा कि फिलहाल वन प्लस से ही काम चलाओ, बाकी फ्यूचर में मैं तुम्हें आपको आई विल गेट आईफोन फॉर यू, ठीक है, मैं दिलवा दूंगा आपको. सो फॉर द टाइम बीइंग, मेक योर वर्क डू विथ वन प्लस एंड लेटर ऑन आई विल गेट आईफोन फॉर यू, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग, मेक योर वर्क डू विथ वन प्लस एंड लेटर ऑन आई विल गेट आईफोन फॉर यू, ठीक है? फिलहाल के लिए वन प्लस से काम चलाओ और बाकी फ्यूचर में मैं आपको आईफोन दिलवा दूंगा, ठीक है? चलिए, let's understand with another example, and that is for the time being I am submitting 5000 rupees, ठीक है? मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपने कहा फिलहाल के लिए मैं 5000 रुपए सबमिट कर रहा हूं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मैं 5000 रुपए सबमिट कर रहा हूं. आई एम सबमिटिंग 5000 रुपीज, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, आई एम सबमिटिंग 5000 रुपीज, मैं 5000 रुपए सबमिट कर रहा हूं. एंड लेट्स अंडरस्टैंड विद द लास्ट एग्जांपल, एंड दैट इज फॉर द टाइम बीइंग I can stay with him. मैंने कहा फिलहाल के लिए मैं उसके साथ रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ. Stay का मतलब होता है ठहरना, और for the time being का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, फिलहाल के लिए. तो for the time being, फिलहाल के लिए, I can stay with him. मैं उसके साथ रह सकता हूँ. For the time being, I can stay with him. So, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि दो दो सेंटेंसेस आप लोग खुद से बनाएंगे. एंड गाइस, आई ऑलवेज एंड आई रिपीट इट इन माय एवरी वीडियो कि जब भी मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ तो उन्हीं के साथ में सेंटेंसेस को आपको भी बोलना है. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वाइल स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग, बोलते बोलते एंड बोल कर ही आपको इंग्लिश आती है, ठीक है? देयर इज नथिंग, जस्ट It is a type of bugbear that English is very tough. But आपको क्या करना है, you have to keep practicing. अब जितना आता है आपको let it come out, इसे बाहर आने दीजिए. Okay? So I hope कि आपको ये जो चीजें हैं for the time being समझ में आया हो. और आपको हाँ, I was talking about the homework. आपको करना ये है, just try to make three sentences of your own on for the time being.
फॉर द टाइम बीइंग पे आपको तीन सेंटेंसेस खुद के बनाने हैं, ठीक है। तो अब उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज अ रिवॉर्ड मैं आपको जैसा कि कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आई हो तो आप यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।